हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। तो जी बस दिनों के बाद तो नहीं कहूँगी, बहुत ही सालों के बाद, 2-3 साल में मैं अपना ब्लॉग फिर से लेकर आई हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग। अभी तक तो सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही मैं डाल रही थी, छोटा बेबी है साथ में तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अब मैंने शुरू कर दी है ब्लॉगिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है, थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। तो यहाँ पर ये बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं बारिश। यहाँ पर बच्चों के लिए शाही में टोस्ट बनाने जा रही थी, यहाँ बच्चों ने की थी फरमाइश, हमारे रीदा ने, खासकर रीदा ने फरमाइश की थी, जिनके कहने पर मैं ये शाही टोस्ट बना रही हूँ। बच्चों की तो फरमाइश छोटी मोटी चलती ही रहती हैं। तो जी यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी भुना हुआ गोश्त, ये मटन है, कुर्बानी का ही गोश्त है। वीडियो बहुत पहले मैंने एडिट कर ली थी, लेकिन अपलोड मैं अब कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने प्याज 2 लेकर चॉप कर ली थी, यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं, खड़े मसाले मैं कम ले रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले हैं, तो यहाँ पर नमक जायके के मुताबिक ले रहे हैं आप अपने। 1 चम्मच मिर्च है, 1.5 चम्मच धनिया है पिसा हुआ, 1/2 चम्मच हल्दी है, थोड़ा सा गर्म मसाला है। तो यहाँ पर ऑयल को अपने गर्म कर लीजिए आप, उसमें डाल दीजिए सबसे पहले खड़े मसाले, इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज, प्याज को थोड़ा ब्राउन करने के लिए भून लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैं एक हाथ से बना रही थी वीडियो, एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से मैं यहाँ पर बना रही थी, इसलिए थोड़ी प्याज मेरी देख भी रहे आम गिर गई थी। तो बस जी यहाँ पर अच्छे से चम्मच चला देंगे, कैमरा रखने के बाद मैंने अच्छे से चम्मच चला लिया था। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, इसको डालकर भून लेते हैं 2 मिनट के लिए, अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें पाउडर मसाला ऐड कर देते हैं अपने। तो जी हाँ, पाउडर मसाले हमारे हो चुके हैं ऐड। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाला था, मटन है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, बस 2 सीटी इसमें 2 विसल लगानी पड़ेंगी। तो इसमें 2 सीटियाँ लगाकर उसी के प्रेशर में छोड़ दीजिए, खोलकर अच्छे से भून लीजिए, खूब अच्छे से भून जाए। तो इसमें तो देखिए थोड़ा सा वाटर ऐड कर दीजिए, भुना भुना ही रहता है, इसका नाम ही भुना है, भुना हुआ गोश्त। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बना भी मज़ेदार था, जायकेदार था, इसलिए आपसे ये रेसिपी मैंने शेयर की है। कुछ ना पसंद समझ में आए क्या बनाना है तो बस गोश्त ही भून लीजिए, भुना हुआ गोश्त तैयार है। देखिए यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, ये रिदा का कोई प्रोजेक्ट था जो कि वो तैयार प्रैक्टिस कर रही थी, तो यहाँ पर रिदा कर रही हैं प्रैक्टिस आयशा के साथ। आयशा देख लीजिए माशाल्लाह, 2 साल भी लोग डाल लेंगे, 2 साल बाद तो आयशा इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपनी सिस्टर की हेल्प कर रही हैं उनके प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ बच्चे बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे ब्लॉगिंग कर सकूँ, मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। यहाँ पर बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। बस जी यहाँ पर मैं घरों के काम, हाँ माशाल्लाह से अब मेरा बेटा भी आ चुका है, अल्लाह पाक ने बेटे से भी नवाज दिया है, जल्दी ही उसका चेहरा भी रिवील करूँगी आपके साथ। ये 2 बेटियों के बाद बेटा भी आ चुका है जो कि 5 महीने का है। तो जी हम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं डिनर। दोपहर में मैंने गोश्त भुना हुआ बना लिया था, अब शाम में हल्का फुल्का खाने का मन था, तो यहाँ पर मैं बनाई है दाल चावल। जी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।